बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आप में से एक व्यूअर जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कई बार कि जनाब आप जो मैं आपको लोगों को शो कर देती हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स डालते हैं और ये स्टाइलिश जो है ब्रैकेट्स, ये लॉन्ग और शॉर्ट में ये किस तरह डालते हैं इसको बता दें। तो जनाब मैं आपको बता देती हूँ, वो वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। ये देखें जनाब, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन की जब हम हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री जो भी है, ठीक है, इसकी हमने हेडिंग दे दी। इसके बाद ये देखें, मार्कर को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है। ये देखें इसकी टिप, ये इस तरह है, इस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे रखना है। एक ब्रैकेट यहां पे डालेंगे, एक ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और उसके बाद यहां पे ऐसे जैसे हम अलिफ के ऊपर ये अलिफ मद आ ये डालते हैं ना, ये देखें, ये इस तरह आपने यहाँ पे डालना, जस्ट वेरी सिंपल। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, अलिफ मद आ के ऊपर ये जो टलता है ना कर्व सा, इसको मैंने जरा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन नंबर टू की हेडिंग, और जब शॉर्ट क्वेश्चंस की नंबरिंग करनी हो, जैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो इसमें भी छोटी ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद ये देखें, इसकी जो बारीक टिप है, ये देखें, ये ऊंची जो टिप है, इससे जो है छोटे छोटे तीन आपने सर्कल डालने हैं, वन टू और फिर ये थ्री। इस तरह भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप थर्ड वाले पे इस तरह लाइन लगा दें तो ये भी स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन की जब नंबरिंग करेंगे तो ब्रैकेट डाल के इस तरह से स्टाइल, और जब आप लोग नंबरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की देंगे तो छोटी ब्रैकेट्स डाल के उसके साइज के अकॉर्डिंगली इस तरह थ्री जो है छोटे छोटे सर्कल डाल के आपने इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये जनाब तरीका है ब्रैकेट डालने का, जिन्होंने पूछा था, मैं आप लोगों को सैंपल दिखाती हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर टू, वन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये एक तरह से ये लाइन्स का ये फायदा है, ये एक तरह से जब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पिछला खत्म होता है तो ये एक तरह से एंडिंग लाइन भी होती है और स्टार्टिंग लाइन के तौर पे भी इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर इजीली देख लेता है कि जनाब ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हुआ, सेकेंड यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ से सेकेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एंडिंग लाइन के तौर पर भी यूज हो सकती है। तो ये देखें, ठीक है, थर्ड, सिक्स, यानी जो भी आपने पार्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद इस तरह। तो ये नहीं जनाब, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आपकी मैंने रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी, और किसी को रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और जनाब आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने न्यू चैनल बनाया है अजान एंड नूर चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें आप लोगों को, आप जिस भी क्लास में हैं, आपको अपनी क्लास में जिस भी सब्जेक्ट के फुली सॉल्व्ड पेपर चाहिए विथ कम्प्लीट प्रेजेंटेशन, तो आप लोग प्लीज उस पर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको वीडियोस जो है उसकी अब मिल जाएंगी। ये देखें, मैं आप लोगों को सैंपल के तौर पे दिखाती हूँ, ये मैंने एफ ए बी ए और नाइन टेंथ एट क्लास सबके जो है सॉल्व किए हुए, कम्प्लीटली सॉल्व पेपर विद बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो अगर आप लोगों को ये रिक्वायर है तो आप प्लीज जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिनसे भी आपको सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन रिक्वायर है। अदरवाइज मैं साथ साथ अपलोड करती जा रही हूँ, आप लोगों को कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी क्लास की हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन फुली सॉल्व पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।